कटिहार जिले के कड़वा थाना क्षेत्र के कदम टोला गांव में 28 जून की देर रात्रि 40 वर्षीय महिला अनीता मुर्मू की छुरा से काट काट कर कर दी गई निर्मम हत्या के मामले का खुलासा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रेमनाथ राम ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दिया। मामले में गिठौरा पंचायत के वार्ड सदस्य दीपलाल हेमड़म, पंचायत समिति सदस्य के रिश्तेदार मोहम्मद जोहक, कचौड़ा गांव निवासी मोहम्मद सुलेमान, गिठौरा निवासी अशोक मुर्मू, सागरत पंचायत के खेमपुर निवासी अविनाश कुमार मंडल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही पुलिस ने हत्या की घटना में प्रयुक्त हथियार, 2 छुरा, 3 मोबाइल और 1 मोटरसाइकिल भी बरामद किया है। जी सर, 28/6/23 को कदवा थाना अंतर्गत कदम टोल में एक महिला जिसका नाम ललिता मुर्मू था, उसे घर से पीछे बाह जहरीन में उसका लाश पाया गया था, जिसे तेज हथियार से मारकर हत्या किया गया था। इस संबंध में कड़वा थाना कांड संख्या 136/23 अंकित किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय कटिहार के निर्देश में मेरे अनुमंडल, मेरे और कड़वा थाना अध्यक्ष विजय कुमार जी का अन्य स्टाफ के सहयोग से इसमें FSL टीम भी बुलाया गया और टेक्निकल सिम का भी मदद लिया गया और त्वरित कार्रवाई करते हुए इस कांड में प्रयुक्त मोबाइल, चाकू और 5 अपराधकर्मी को गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने अपना सक्रियता स्वीकार किया गया है, इसमें हम लोग जेल भेज रहे हैं। सर, महिला पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया, शव को पोस्टमार्टम किया गया है, पोस्टमार्टम आने के बाद क्लियर होगा और भी क्या दिन। अपराधी पेशेवर है कि नहीं सर? पेशेवर अपराधी है सर ये? नहीं, जो भी हत्या हुआ है या मतलब किसी का कई एंगल है, एक फर्स्ट आ रहा है, प्रेम प्रसंग आ रहा है और मृतका का अपना खुद भगना है जो साजिश करता है, अशोक मुर्मू है, उनके द्वारा साजिश करके धंधा अंजाम दिया गया है।